14 नवंबर 2024 और छन्नो परभनी विधानसभा का चुनाव प्रचार पूरे चरम पर है और आज 14 नवंबर और परभनी राष्ट्रीय समाज पक्ष से हमारे साथ जो उम्मीदवार परभनी से खड़े हुए हैं चकोर महामुनि सावित्री मैडम और हमारे साथ चकोर सर है सतीश चकोर सर है जो कि अभी चुनाव प्रचार कुर्बान अली शाह दरगाह रोड परिसर में वो कर रहे हैं और डोर टू डोर जा रहे हैं और हमारे साथ बात करने के लिए सतीश चकोर सर है। सर कैसे प्रचार चल रहा है और कितनी उम्मीदें हैं जीत के लिए और किससे आपको लगता है कि आपकी फाइट परभनी में किससे है, क्या कहेंगे? परभनी तो अभी हम हर जगह जा रहे हैं, हर जगह जाने के बाद ये पता चल रहा है कि परभनी में जो नारियल सम्राट ने 10 साल का विकास किया है वो विकास आप अभी कुर्बान अली शाह नगर में देख सकते हैं। नालियां कुछ भी नहीं बनी हुई है, रास्ते की हालत काफी खराब है और लोगों ने अभी तक ये कहा है कि इस नगर में कभी आमदार या कोई आया भी नहीं है। तो हम हर जगह जाके लोगों की जो दिक्कत है वो समझना चाहते हैं और समझ रहे हैं। लोगों का बहुत प्यार और सम्मान मिल रहा है और हमारी जो लड़त है वो लोगों के साथ में है, लोग जो है हमारे साथ है, हमारे सामने कोई भी नहीं है क्योंकि इन्होंने 10 साल में कुछ काम ही नहीं किया, सिर्फ खान बान की राजनीति करते आए हुए और दोनों भी जो है शिवसेना के है, नफरत के सौदागर है, लोग उनको चाहते नहीं है। लेकिन लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, इसकी वजह से लोगों को एक नालायक को चुनना पड़ता था। इस बार जो है दोनों नालायक को लोग घर में बिठा कर एक अच्छा पढ़ा लिखा और सभी जाति धर्म के लोगों को साथ लेके चलने वाला उम्मीदवार वो सावित्री मैडम आपके सामने है। अभी हम कुर्बान अली शाह नगर में आए हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि रास्तों की हालत काफी खराब है और जो परभनी की शान है सूफी संत हजरत सैयद तुराबुल हक जो हिंदू मुस्लिम एकता कौमी एकता का प्रतीक है, यहाँ पे जो पर्यटन स्थल की हालत है काफी खराब है और हर बार हर साल यहाँ पे बड़े पैमाने पे उर्स चलता है लेकिन यहाँ पे कुछ भी विकास नहीं है। आने वाले समय में अगर लोग हमको चुन के देते हैं तो सावित्री मैडम ये जो उर्स भरता है और ये जो पर्यटन स्थल है ये पर्यटन स्थल को अच्छे पैमाने पे विकसित करेंगे और इसका दर्जा भी बढ़ाएंगे। और परभनी के लोगों को हमारी राय है कि ये जो शिवसेना दोनों अलग अलग है लेकिन कब एक हो जाएगी इसका पता नहीं और दोनों भी जो है जातिवादी है, उनकी सोच जातिवादी है लेकिन सावित्री मैडम ने आप सभी परभनी वासियों के लिए एक अच्छा राष्ट्रीय समाज पक्ष का ऑप्शन दिया है जो हर एक जाति धर्म के साथ लोगों को एक साथ मिलजुल के चलते हैं और परभनी के विकास के जो है वो ब्लूप्रिंट उन्होंने तैयार करी है, उसमें बेसिक चीजें है अच्छी शिक्षा, अच्छी दवाखाने, अच्छे रास्ते, बिजली, पानी और ये बेसिक मूलभूत सुविधाओं को देने के लिए सावित्री ताई चकोर कटिबद्ध है। सर जैसा कि राष्ट्रीय समाज पक्ष से सावित्री चकोर मैडम जो उम्मीदवार है, जो आपके प्रतिस्पर्धी है शिवसेना के उम्मीदवार है, दूसरे जो उम्मीदवार है इनका ऐसा आरोप है कि सावित्री मैडम सिर्फ वोट काटने के लिए आए हैं, बाहर के हैं, प्रॉपर के नहीं हैं और अचानक से वो आकर खड़े हो गए और एक लेडीज है वो क्या करेंगे, ऐसे कई सारे आरोप सावित्री मैडम पे लोग लगा रहे हैं कि ये तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको ऐसा लगता है कि सावित्री मैडम करेंगे विकास यहाँ पे या जो बातें ये कह रहे हैं उसका क्या जवाब? ये पुरुष प्रधान मानसिकता का प्रतीक है कि एक महिला उम्मीदवार को आगे देख के और वो उनको हराने की कगार पे है इसलिए उनके दिल में हलबल मच चुकी है। सावित्री मैडम जो है वो पिछले 1.5 साल से परभनी की समाज कारण में और राजकारण में एक्टिव है, उन्होंने रास्तों के लिए एक आंदोलन भी किया था, पिक विमा के लिए भी आंदोलन किया था और हर एक समाज के साथ देने के लिए पिछले 1.5 साल से वो कार्यरत है लेकिन इनकी जो आने वाले उनको हार दिख रहे हैं उसकी बौखलाट में ये बातें कर रहे हैं। अभी हाँ वो ओबीसी की बेटी है, मराठाओं की बहू है और दलित मुस्लिम और बाकी सब समाज के सब तबके के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके दिल में इसी वजह से खलबली मची है और आने वाले समय में 23 नवंबर को सावित्री चकोर जो है 23 नवंबर को सावित्री चकोर जो है भारी बहुमत से जीतने वाली है। रिजल्ट के दिन वोटिंग के दिन मैं हर परभनी वासियों को कहना चाहता हूं कि आपको बदलाव चाहिए तो आपके पास एक ही ऑप्शन है और वो है सीटी का बटन। 20 नवंबर को जब आप वोट करने जाइए तो परभनी के जो हालात है रस्तों के, नालियों के और शिक्षा के, स्कूलों के, दवाखानों के, ये देखकर आप चले जाना और बदलाव के लिए वोट करना। 5 नंबर का बटन है सिटी का। थैंक यू। दरगाह परिसर की मशहूर मारूफ शख्सियत सागर भैया जिनको सगीर शेख उर्फ सागर भैया
और वो चकोर मैडम के साथ, सतीश चकोर के साथ कंधे से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं पहले दिन से ही। उनसे बात करते हैं, भैया क्या कहेंगे, आपको लगता है ऐसा कि वो इस बार इतने सारे पुरुषों में एक महिला चुनकर आएंगी, क्या लगता है? नहीं, मैडम है ना जो है ना बहुत एक्टिव है और वो पुरुष और महिला में कोई भेदभाव नहीं रखते, हो सभी को एक समान समझ कर सबके साथ चलते हो, क्योंकि मैडम के साथ ज्यादातर हम सब लड़के लोग रहते हैं और मैडम बोले तो बहुत एक्टिव है और दूसरी बात उन्होंने ऐसे बोले तो डरती गिरती नहीं है, पढ़े लिखे है, सुशिक्षित है। हाँ कैसे कैसे दरगाह परिसर में कैसा रिस्पांस है इस एरिया में? दरगाह रोड में हाँ, सिटी को करना पड़ेगा क्योंकि विकास करने है। नहीं नहीं, सिटी को वोट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से 100 गाड़ियां का नियोजन यहाँ से निकले वाला है। ये हाँ, तिरंगा रैली को जब 100 गाड़ियां दिए थे क्या, तो हाँ नबी की शान में गुस्ताखी हुई थी, तो तब दरगाह रोड से 100 गाड़ियां का नियोजन हुआ था और दरगाह रोड से गाड़ियां निकले थे। हाँ मैडम थे, सर थे, सब थे, फिर यहाँ से ले जाके ईदगाह ग्राउंड में नियोजन कराए, तो यहाँ के लोगों को मतदान करना पड़ेगा सिटी को। आ गया रे, तो कैसे मन, अपने भी लोगों का काम है, मुस्लिम लोगों का भी काम है कि इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चले, क्योंकि वक्त आने पे बाजू में हटने में ये समझो मुसलमानों के इसमें नहीं है। और ये क्या कर रहे हैं, अपने साथ कंधे से कंधे मिला के चढ़ रहे, तो इनको विरोध हो रहा ना, विरोध करने वाले भी लोग है, तो इनको विरोध हो रहा, तो अपना मुसलमानों का काम है कि इनके साथ कंधे से कंधे मिला के चले, देना चाहिए, क्योंकि अपना जब टाइम था तब उन्होंने अपने को साथ दिए, अब उनका टाइम है तो अपने को साथ देना ये जरूरी है। हाँ दरगाह विकास तो करेंगे ना, हाँ वो वादा कर रहे हैं और पहले सबसे पहले मैडम ने ये एक वादा करे वाला है कि एक साल के अंदर परभणी शहर में शिक्षा पे काम करेंगे, उन्होंने जो शिक्षा है क्या, जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए तालीम के ऊपर, तो इंग्लिश मीडियम की जैसा सरकारी स्कूल बनाना चाहेंगे वो। हाँ 20 तारीख को सिट्टी का 5 नंबर का बटन है, वो बटन दबा के सावित्री चकोर मैडम को बहुमतों से विजयी कराना, ये अपना मुसलमानों का काम है। हमारे साथ सावित्री चकोर मैडम जो है उम्मीदवार परभणी 96 विधानसभा के राष्ट्रीय समाज पक्ष और सिटी निशानी से वो उनका चुनाव चिन्ह लेकर अपनी किस्मत आजमा रही है। हमारे साथ इसाक भाई है, पत्रकार है, समाज सेवक है और राष्ट्रीय समाज पक्ष और सतीश चकोर सर के कंधे समर्थक उनको माना जाता है। इसाक भाई क्या कहेंगे, कितनी ज्यादा उम्मीदें है जो आपके उम्मीदवार है राष्ट्रीय समाज पक्ष के सावित्री चकोर मैडम, कितनी ज्यादा उम्मीद? मैं तो पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी तक कोई मुस्लिम लीडर इतने बड़े होते हुए साथ भी कोई हमारे कौम के लिए जब इतनी बड़ी गुस्ताखी हुई, उन गुस्ताखी का कोई विरोध नहीं किया, ये खुलकर आए जो भी सावित्री मैडम और सतीश चकोर साहब, ये दोनों ने खुलकर आकर निवेदन भी किया। और पहली बात मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि इन्होंने जो कि नबी के शान में गुस्ताखी उस टाइम पर भी सपोर्ट किया और विशालगढ़ के टाइम पर जो मस्जिद पर फतरा हुआ था उस टाइम पर भी है क्या, इन्होंने सपोर्ट करके वहां पर निवेदन देके कलेक्टर को निवेदन दिया, मुख्यमंत्री को निवेदन देकर ये अपील की कि ये धार्मिक जो दंगे भड़काने का जो काम हो रहा है ये बंद कीजिए। और दूसरी बात फिर उन्होंने खुद होकर कि जैसे कि 100 गाड़ियां दिए और एक धरना आंदोलन भी किया बहुत बड़े पैमाने पर। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मुसलमानों को जो गुस्ताखी का सपोर्ट करने वाला और बाबरी मस्जिद पर फखर करने वाला, इसको ना हम इज्जत देंगे और ना देते हैं। तो मेरा बोलना ये है कि जो बाबरी मस्जिद पर फखर करते हैं और जैसे कि गुस्ताखों की सपोर्ट में उतरते हैं, तो वैसे को मुस्लिम समाज ने हत्या ही किसी भी किस्म का राय बराबर का भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और जो भी है जो आज जो हमारे बुरे हालात में जो हमारे साथ थे तो उनके साथ होना चाहिए और भारी वोटों के जरिए से इनको कामयाब बनाना चाहिए। जैसा कि कोई एक गैर मुस्लिम आज हमारे संगत खुलकर आ रहा है, जो हमारा साथ दे रहा है, जिसको हमने 35-35 साल हो गए जो कि हिंदू नेताओं को हमने संभाल कर रखा, जो दूध पिलाया, टाइम पड़ने पर वही हमें एक आस्तीन के सांप डसने लगे, तो उस टाइम पर अगर के कोई हिंदू भाई और सेकुलरिज्म अगर के माइंड रखकर हमारा सपोर्ट करता है, तो जैसा कि हम अगर के इनका सपोर्ट नहीं करते वोटों के जरिए, तो कल के को ऐसे जो अच्छे लोग है सेकुलरिज्म वाले हिंदू, वो खुलकर कभी सामने नहीं आएंगे और मुस्लिम समाज पर एक धब्बा लग जाएगा कि अभी जो चर्चा चालू है सोशल मीडिया पर, जैसे कि कोई बीजेपी के कार्यकर्ता है,
शिवसेना के कार्यकर्ता है वो बता रहे हैं कि ये एक हिंदू होकर मुसलमानों को इतना बड़ा सपोर्ट किया और ये कली मुसलमान इन्हों इनकी जात बता देंगे, इनको वोट नहीं देंगे, तो ये मैं चाहता हूँ कि ये कर दिखाना है कि मुस्लिम समाज जो भी हमारे नबी के शान में गुस्ताखी हुई थी ना ही उसके सपोर्ट करने वाले के साथ है, जो हमारा सपोर्ट किया गुस्ताखी के लिए। और मैं खुले अल्फाजों में ये कहना चाहता हूँ कि चार दीवारी के अंदर ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, इनका खुले आम इन्हों एक पॉम्पलेट है, पॉम्पलेट उर्दू में बनाया हुआ है, उसमें चार मुद्दे बेसिक, पहली बात औकाफ बिल औकाफ संशोधन बिल है उसका पुरजोर विरोध करेंगे इसमें विधानसभा में जाकर, और दूसरा कि जो नबी के शान में गुस्ताखी या कोई भी धर्मगुरु के नाम पर गुस्ताखी होती है तो उसका उसके ऊपर एक कानून बनाया जाए, कड़ी कार्रवाई करने के वास्ते इन्हों वहां पर प्रस्ताव रखेंगे। तीसरा मुद्दा ये है कि हज हाउस जो कि सालों से यहाँ के हाजी है उनको ना हाजी की मीटिंग के लिए कोई हॉल है और ना ही कोई हाजियों के लिए इंतजाम होता है, तो इनका बोलना यह है कि उर्दू घर और हज हाउस के लिए हम मांग करेंगे, उन्होंने खुले अल्फाज में उस पॉम्पलेट पर दे दिए हुआ है हाँ बुनियादी। और दूसरी बात है कि उन्होंने शिक्षा जैसे कि मुस्लिम लड़के या मदरसे के कोई लड़कियां उनको पूरा सपोर्ट कर जैसे कि स्कॉलरशिप के जरिए से उनको पढ़ाई लिखाई के लिए उन्हें सपोर्ट करेंगे, और जब भी उन्होंने प्रचार चालू किए प्रचार चालू होने से पहले इतनी उन्होंने एकता बताई जो कि हजरत शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह ने उनके दरगाह पर आकर नारियल फोड़कर फिर पूरे परभनी के जितने भी मंदिर दरगाह है बड़े बड़े या महापुरुष है उनके वहां पर जाकर फूलों के अर्पण करके वहां पर माथा टेक कर इन्होंने उनके हिसाब से वो प्रचार शुरू किया। तो मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज ने एक कट्टा होकर इनका साथ देना चाहिए, जैसा कि दरगाह रोड का हालात और बहुत से ऐसे रास्तों के मुद्दे हैं, ये दरगाह रोड ही नहीं हर कहीं का भी पूरा परभनी का ये हाल है कि खड्डे, और आज हमारे को एक लफ्जों से नवाजा जा रहा है, अभी तक बोलते थे कि परभनी जगह जर्मनी भारत परभनी, अब ये लफ्जों से हमारे को नवाजा गया है जगह जर्मनी खड्डे परभनी, तो हम नहीं चाहते कि ये कलंक हमारे पर लगे। और बीच में ऐसा भी सुनने में आया कि जब लड़की देखने लिए जा रहे तो लड़की वाले बता रहे कि परभनी का अगर के होगा लड़का तो हम लड़की नहीं देंगे, क्योंकि वहां की हालत और इतनी बद से बदतर है, बहुत से ऐसे नेशनल न्यूज चैनलों ने कि बताया कि बोले परभनी एक ऐसा शहर है इंडिया के अंदर जो कि यहाँ पर विरोध करने वाला कोई नहीं है, जो कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल और सबसे ज्यादा महंगाई है, जैसा कि रविश कुमार है जो NDTV के रिपोर्टर उन्होंने NDTV पर बताया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक जो मुस्लिम समाज और परभनी कर सोए हुए थे आज वो जाग कर और एक सच्चाई और हक के लिए एक जगह हो और सावित्री मैडम को बहुमत से जीता कर लाए। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि इन्हों कोई धर्म के लिए कोई ऐसी भेदभाव करते, उन्होंने मराठा आरक्षण के लिए भी सौगाड़ी दिए, OBC आरक्षण के लिए भी सौगाड़ी दिए, और इनका अभी भी ऐसा तिरंगा रैली के लिए भी मुस्लिम समाज के लिए सौगाड़ी दिए, और इनका आज भी ऐसी जहनीयत रखते है कि जब भी कोई भी धर्म पर अगर की आवाज या कोई भी गलत होता है तो पहले नंबर पर हम आकर आवाज उठाएंगे। और मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ, जैसे कि वो बहुत से लोग बोल रहे हैं कि इन्हों मैनेज हो गए इन्हों वो हो गए, आप जैसे कि कोई किसी को अगर के एक बौखलाहट हो रही है कि पूरा समाज अगर के एक लेडीज के संगत और उनके पति के संगत जुड़कर रह रहा है, मराठा OBC तो है और मुस्लिम समाज भी है, तो इनको एक बौखलाहट हो गई तो वो तरह तरह के लोगों में मैसेज पहुंचा रहे कि अफवाह फैला रहे कि जैसे कि उन्हों एक मैनेज हो गए। मैं कहना चाहता हूँ रात दिन में इनके संगत है, एक इन्हों किसी से मैनेज नहीं हुए, इनको एक कमजोर करना चाह रहे तरह तरह के कार्यकर्ताओं को भी बातें बताकर फोड़ने की कोशिश की जा रही है लोगों ने अपना। हाँ, और मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी किसी भी समाज का और नौजवान बूढ़ा रहो लेडीज रहो या बच्ची रहो कि कोई भी अफवाह पर ध्यान ना दे, इन्हों पहले भी जो ताकत से थे आज भी अपने साथ वही ताकत से, आने वाले 20 तारीख को भारी से भारी अक्सरियत से
इनको कामयाब बनाए। पांच नंबर का बटन है तिथि को। और मैं ये आखिरी बात भी एक जो शुरू कर रहा था वही आखिरी बात बोलकर मैं खत्म करना चाहता हूँ। ना ही हमने गुस्ताखी का सपोर्ट करने वाला और ना ही बाबरी मस्जिद पर फकर करने वाला, ना ही मैं कोई इज्जत करता था, ना इज्जत करूंगा, ना ही मेरा कोई कौम का हमदर्द और नौजवान कभी किसी का सपोर्ट नहीं करेगा। और एक मेन बात बताना चाहता हूँ जो कि एक फतवे के जरिए से या मैसेज के जरिए से बताना चाह रहे कि वो आमदार ने कि 40 मुद्दों पर सपोर्ट कर साइन कर वो बता दिया, तो मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता और मैं भी एक पत्रकार होने के नाते थे ये कहना चाहता हूँ कि वो मुझे पेपर लाकर बताए या फिर मैं इनके जो 4 मुद्दे वो पेपर मैं आपके पब्लिक के सामने लाकर बताऊंगा। और वो जुमा के दिन हर मस्जिद के सामने वो पंपलेट पहुंचेगा। हर हम क्लियर करना चाहते हैं हर मुसलमान के लिए कि इन्हों पहले भी अपने साथ थे और आज भी है, लोगों ने तय कर लिया ये ये चार दीवारी की कोई बात नहीं है। जैसा कि ये चार दीवारी में बात करते और बाद में जब सवाल करने कुछ नौजवान या कौम के हमदर्द जाते तो उन्हें बताते कि वो जो 4 जन आए थे उनसे हमने जवाब दे दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर मुस्लिम समाज का जो भी मुद्दा होगा तो हर मुसलमान जिम्मेदार रहेगा। और जो भी वो 40 मुद्दे हैं वो 40 मुद्दे लोगों तक पॉम्पलेट के जरिए थे पूरे परभनी शहर में बता देना चाहिए, नहीं तो हम बताएंगे कि परभनी शहर को हम किस मुद्दों पर हम काम कर रहे हैं। शहर का विकास तो हम करना चाह रहे हैं और करेंगे भी इंशाल्लाह। 96 परभनी विधानसभा की आयरन लेडी चकोर महामुनि सावित्री मैडम जो कि सतीश चकोर साहब की पत्नी है और उन्होंने इतने कम समय में लगभग 1.5 से 2 साल से वो परभनी विधानसभा में अपने सामाजिक कार्य से और अपने कामों से ये बता रही थी कि वो विधानसभा यहाँ के लड़ने वाली है। और उनका डबल हक यहाँ पर इसलिए भी बनता है क्योंकि वो मराठा समाज की बहू है और वो खुद ओबीसी समाज से आती है और बेहतरीन सपोर्ट उन्हें यहाँ के परभनी के मुसलमानों से और दलितों से और तमाम छोटे वर्गों से मिल रहा है। और उसी के दम पर आने वाले 23 तारीख को पूरी तरह से भारी अक्सरियत से अपनी जीत का दावा यहां पर सतीश भैया चकोर और तमाम कार्यकर्ताओं ने किया है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज के लिए मैं कलीम।